अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के अब चंद दिन ही बचे हैं। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले बराक ओबामा देश के नाम विदाई भाषण देंगे। ओबामा ने कहा कि वो 10 जनवरी को अपने गृह नगर शिकागो से देश के नाम अपना विदाई भाषण देंगे। भाषण में वो अपने पिछले 8 साल के शानदार सफर के लिए अमेरिका के लोगों का आभार जताएंगे। ओबामा ने एक बयान में कहा है कि मैं इस शानदार सफर के लिए शुक्रिया जताने, पिछले 8 सालों में आपने जिस तरीके से इस देश को बेहतरी के लिए बदला है उसका जश्न मनाने के लिए और यहाँ से हम सब आगे कहाँ जाएंगे इसके बारे में कुछ विचार पेश करने को लेकर आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। एक न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक ओबामा ने कहा कि वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा स्थापित चलन का अनुकरण कर रहे हैं, जिन्होंने 220 से अधिक साल पहले अमेरिकी लोगों के लिए विदाई भाषण लिखा था। बता दें कि ओबामा ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी राजनीति की शुरुआत शिकागो से ही की थी। व्हाइट हाउस में आने से पहले ओबामा परिवार वहीं रहता था। ओबामा का राष्ट्रपति पुस्तकालय शिकागो में ही स्थित होगा। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद संभालेंगे।